देश में अगर छत्तीसगढ़ की बात होती है तो सबसे पहले जहन में लोगों के आता है कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर पुलिसिंग करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं होती, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और काफी इसके पीछे रणनीतियां होती हैं। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के DGP हैं DM अवस्थी साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन विपरीत परिस्थितियों में भी वो यहाँ पे जवानों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, बहुत कठिन वक्त हमने देखा है और अब मानसून का भी सीजन है और आगे बड़े अभियान, नक्सल अभियान आप लोग प्लान करके रखे हैं, कितनी चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में, एक आम जनता को कैसे समझाएंगे आप? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बड़ी चुनौती है और सही में वो बड़ी समस्या है। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल सब मिल करके समय समय पर अभियान और सब चलाते रहते हैं और परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। जी सर, अभी जिस प्रकार से वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, मलेरिया की भी बातें सामने आती हैं, मानसून भी है, किस प्रकार से जब आप उनसे बातें करते हैं तो उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप उस क्षेत्र को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं कप्तान बतौर? हम लोग जाते हैं, कैंप में जाते हैं। अभी हमने नई योजना स्पंदन शुरू की है, उसके तहत मैं अभी पिछले दिनों ही एक कैंप में गया था, सोमवार को फिर जा रहे हैं। तो सेंट्रल पुलिस और स्टेट की बटालियनों में लोगों से मिलने से, जवानों के साथ खाना खाने से, उनके साथ रहने से एक उत्साहवर्धन होता है और आत्मविश्वास बना रहता है। सर, बेहतर सामंजस्य है पड़ोसी राज्यों से अभी अपना, जैसे बीच में बातें आती थी कि निकल जाते हैं यहाँ से नक्सली दूसरे राज्यों में? नहीं, सामंजस्य बहुत अच्छा है, किसी तरह कोई समस्या नहीं। तो ये है DGP जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपके मन में किसी प्रकार की ऐसी बातें हैं कि छत्तीसगढ़ में अशांति है तो बिल्कुल सरकार भी तैयार है, पुलिस प्रशासन भी तैयार है और जहां तक जवानों की बात है तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी तमाम प्रकार की योजनाएं यहां पर तैयार हो चुकी हैं। फिलहाल वक्त है कोरोना से लड़ने का, तमाम विभागों की तरह गृह विभाग भी इस मामले पे पूरी तरीके से मुस्तैद है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी।